हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ा था। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूं यहां से, और इस वीडियो में अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देता हूं फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस बेसिकली एक सेट ऑफ ब्लॉक होता है जो तभी वर्क करता है जब हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एड का फंक्शन बनाया तो वो तब ही कॉल होगा जब मुझे एडिशन की जरूरत होगी, या सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया तो वो तब कॉल होगा जब मुझे कोई चीज को सब्ट्रैक्ट करवाना है, और वो मैं कॉल करवाता हूं। अपने आप कॉल नहीं होता है, एक जो डेवलपर होता है वो उसको कॉल करवाता है, कुछ भी अपने आप नहीं होता है, इसमें हमें सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो फंक्शन का हम बेसिक सिंटैक्स देखते हैं पहले, कि हम उससे डेफ से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम कुछ भी एक फंक्शन का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन अंडरस्कोर नेम दे दे रहा हूँ अभी के लिए, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कॉलन, अगेन जैसे फॉर लूप और इफ लूप में, इफ एल्स कंडीशंस में होता था। और उसके बाद एंटर जब प्रेस करेंगे तो मैं इसके अंदर, फंक्शन के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं सपोज कुछ भी अभी के लिए प्रिंट कर देता हूँ, हेलो दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ओके। अब ये तो हो गया मेरा एक बेसिक सिंटेक्स फंक्शन का। मैं अगर इसको अभी रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, रन हो जाएगा बट कुछ भी नहीं होगा, ओके। बट यही चीज मैं फंक्शन को कॉल कैसे कराता हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ भी नहीं है इसमें, आपने इसके नेम को सिंपल यहाँ पे कॉल करा देना है, ओके। और अब देखते हैं क्या होता है। हेलो दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ना दो इनपुट ले लेता हूँ, इंटीजर एंटर ए, और यहाँ पे ले लेता हूँ एंटर बी। अब ये जब दो इनपुट्स मेरे पास आएंगी, मैं उसके बेसिस पे यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ और फिर फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी ओनली देन आई हैव टू कॉल द फंक्शन। जब ए बी से बड़ा होगा तभी मैं फंक्शन को कॉल करवाऊ। ए की वैल्यू डाल दी मैंने 6, बी की डाल दी मैंने 8, फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ओके। फिर ए की वैल्यू मैंने डाल दी 40, बी की वैल्यू डाल दी मैंने 10, तो अब ये फंक्शन कॉल हो गया मेरा इफ कंडीशन के अंदर, ओके। तो ये था एक बहुत ही बेसिक फंक्शंस का आइडिया। बट अब इसमें आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक पॉइंट जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ। फंक्शंस के भी टाइप होते हैं, जैसे कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, या फिर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, ओके। ये सारे इनके टाइप्स होते हैं, और भी इसमें टाइप्स होते हैं, मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ इसमें। तो हम पहले यहाँ पर रिटर्न वैल्यू वाला जो फंक्शन है उसको समझ लेते हैं। तो रिटर्न वैल्यू के फंक्शन को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसी फंक्शन के अंदर ना थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस 9, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ x। तो रिटर्न मैं ऐसे लिखूंगा, जो भी चीज मुझे इस फंक्शन से बाहर भेजनी है तब मैं रिटर्न यूज करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जो है 19 यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, यानी कि इस फंक्शन से बाहर भेज रहा हूँ, ओके। अब जब मैं इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालूंगा तो क्या होगा देखते हैं। मैं रन करता हूँ, ये फंक्शन को तभी कॉल कराएगा जब a b से बड़ा होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको 50 कर देते हैं, b की वैल्यू 20 कर देते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि इस कंडीशन को ट्रू करके इसके अंदर आया, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर इसने फंक्शन को पहले कॉल कराया। अब वो फंक्शन के अंदर गया, उसने इसको एडिशन किया, फिर ये प्रिंट हुआ पहले, देख रहे हैं आप, ये प्रिंट हुआ, और उसके बाद इसने रिटर्न कर दिया 19 को, फिर वो वापस प्रिंट में आया और उसने 19 को प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली हुआ इसमें। हम इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, जब रिटर्न कर रहा होता है ना कोई भी फंक्शन वैल्यू, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू नॉट a, a तो ले रखा है मैंने, x ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ x, मैं चाहूँ तो यहाँ पे y भी ले सकता हूँ, ये मत कंफ्यूज होना कि यार यहाँ पे x है इसलिए 19 आ रहा है, ओके। वो उसका लोकल वेरिएबल है, ओके, ये इसका लोकल वेरिएबल है यहाँ पे। तो
तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। बेसिकली फंक्शंस के अंदर या किसी क्लास के अंदर, आगे हम क्लास भी पढ़ेंगे, उसके अंदर डिफाइंड किए हुए वेरिएबल्स वो उसके खुद के लोकल वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो यूनिवर्सल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, सॉरी नॉट यूनिवर्सल, ग्लोबल वेरिएबल है, उसको मैं यहाँ पे पूरे कोड के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अब वाई जो है मेरा यहाँ पे 19 की वैल्यू लेके आएगा फंक्शन से, फिर से 50 और 20 कर देता हूँ, तो ये चल गया मेरा, तो ये हो गया मेरा रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन। अब मैं इसमें आता हूँ आर्ग्यूमेंट के साथ में, जब फंक्शंस को हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये सब चीजें। अब फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये दो वैल्यूज है ना, अब यहाँ पे मैं इसमें कंडीशन यूज कर रहा हूँ कि ए अगर बी से बड़ा है तो ये फंक्शन को कॉल करे, ठीक है। अब सपोज ये फंक्शन मेरा ये दोनों वैल्यूज इधर लेके जा रहा है, ओके, और यहाँ पे उनको ऐड करवा रहा है, तो यहाँ पे मेरा यूज होगा आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर्स, ओके। तो अभी जैसे मैंने मान लो ए कॉमा बी को इसके अंदर पास कर दिया, ओके, तो अब यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ले सकता हूँ, या तो ए कॉमा बी ले लूँ या तो फिर कोई भी नाम का ले लूँ, सपोज वाई कॉमा जेड ले लूँ, ओके, वो अपने आप ही इसको ए मान लेगा, इसको बी मान लेगा, ओके। अब यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, y प्लस z कर देता हूँ। अब ये दोनों मेरे हो गए पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर्स। इसको रन करें, a मेरा हो गया 50, 80 करते हैं, ये हो गया 10, ये क्या हुआ अभी इस बार 90 आ गया, 80 प्लस 10 90, ओके। तो ये था मेरा फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट, ओके। ये जो फंक्शंस के ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ, वैल्यूज जो मैं भेज रहा हूँ ऊपर फंक्शन को, उन वैल्यूज को ऐड करवाने के बाद मैं उनको रिटर्न कर दे रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे फिर उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन भी हो गया और रिटर्न वाला फंक्शन भी हो गया यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ कि सपोज मान लो मेरे पास अभी तो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं, अगर मैं ज्यादा वैल्यूज पास करना चाहूँ, सपोज मैं 10 वैल्यूज 15 वैल्यूज, तो अब सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर ना स्ट्रिंग्स पास कर दिए, हेलो वर्ल्ड, और फिर ऐसे नंबर पास कर दिए 5 9, ऐसे बहुत सारे मैंने आर्ग्यूमेंट्स अभी पास कर दिए इस फंक्शन के अंदर, ओके। अब मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने ए की वैल्यू 60 डाल दी, ये 40 डाल दी, आगे क्या हुआ, फंक्शन नेम टेक्स टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट सिक्स गिवन, मतलब उसने दो ही आर्ग्यूमेंट वो ले रहा है लेकिन हमने 6 दे दिए यहाँ पे, ओके। तो अब इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक कीवर्ड होता है जिसको मैं कहता हूँ स्टार आर्ग्स, और इसी तरह कीवर्ड आर्ग्स, ओके। अब इसको कैसे यूज करना है वो देखते हैं हम। अब अगर मैं यहां पर स्टार आग्स लिख दूंगा, ओके, और आर्ग्यूमेंट यहां पर मैं ऐसा करता हूं, फर्स्ट पोजीशन, ये लिस्ट की फॉर्म में मुझे ये प्रोवाइड करेगा, 0th इंडेक्स और वन, ओके। अब देखते हैं क्या होता है, देख रहे हैं आप, इसने बेसिकली सारे आर्ग्यूमेंट्स ले लिए एक ही बार में। अब अगर मैं चाहूं यहाँ पे प्रिंट करवाना, जितने 6 आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो 0 से 5 तक का इंडेक्स बनेगा ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ 3 दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे देखिए वर्ल्ड आ गया, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे वर्ल्ड था, फिर उसके बाद ये प्लस करके भी इसने दे दिया 50 और 90 को, ओके। तो ये था मेरा, अगर मैं अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहूँ अपने फंक्शन में तो वो कैसे हैंडल होंगे।
अब यार देखो, जो मैंने अभी आपको एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बताया ना, इसमें पहले एक चीज और आपको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर मैं इसका कुछ भी नाम दूं, ओके जैसे सपोज यहीं पे देता हूँ, इसके बाद कार, ओके तो बस मुझे ये चीज चेंज करनी है। मतलब यहाँ पे स्टार इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं इनको, जो हमें लिस्ट या ट्यूपल कह सकते हैं उसकी फॉर्म में हमें डेटा देते हैं। एक तरह से एक एरे होता है ऑफ डेटा, और उसको हम इंडेक्स बेस्ड हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा ये फिर से 60 10, तो ये चलेगा। ओके तो यहाँ पे स्टार इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट नहीं, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके इसके बाद ना मैं एक अलग से ट्यूटोरियल और बना दूंगा जिसमें आर्ग्स और कीवर्ड्स, आर्ग का डिफरेंस क्या होता है, ओके उसमें बेसिकली इनका डेटा टाइप का डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं है इसमें। उसके बारे में एक अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा इसमें, जिसमें एक्सप्लेनेशन होगी। अभी बेसिक आइडिया फंक्शंस का यही था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये बेसिक ट्यूटोरियल है, तो आपको मैं पहले एक आइडिया दे दूँ फंक्शंस का, और आपको एक फ्लो मिल जाए कोडिंग करने का। तो यही था अभी तक के लिए फंक्शंस। इसके बाद हम क्लासेस पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से वो बेसिक टॉपिक का अभी एक लास्ट टॉपिक ही होगा कवर करने के लिए, और उसके बाद फिर हम एडवांस सीरीज भी शुरू करेंगे।